राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है, मैं प्रिया आपके साथ। फिल्म मेकर मिलन लुथरिया की माने तो विद्या बालन ने शुरुआत में द डर्टी पिक्चर करने से मना कर दिया था। हालांकि जब उन्होंने फिल्म साइन की तो वो अपना बेस्ट देने से पीछे नहीं हटी। बता दें इन दिनों मिलन अपनी सीरीज सुल्तान ऑफ दिल्ली को प्रमोट कर रहे हैं। फिल्म मेकर ने सीरीज से जुड़ी कुछ बातें भी शेयर की। अजय देवगन, अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार जैसे ए लिस्टर एक्टर्स के साथ काम करने के बावजूद उन्होंने अपनी इस सीरीज में बड़े नामों को शामिल नहीं किया। उन्होंने कहा कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि द डर्टी पिक्चर जैसी फिल्म मेरे सामने आएगी। एकता कपूर उस एक छोटी फिल्म जो बहुत ही कम बजट में बनाना चाहती थी। फिल्म की स्क्रिप्ट जब मैंने पढ़ी तो मैं बहुत भावुक हो गया था, मैं रोने लग गया था। हालांकि मैंने एकता को फिल्म करने से मना कर दिया था क्योंकि मुझे लगा कि मैं फिल्म के लीड किरदार को न्याय नहीं दे पाऊंगा। एकता ने मुझे विश्वास दिलाया कि मैं इसे कर पाऊंगा और मैंने बतौर चैलेंज इसे एक्सेप्ट भी किया। दरअसल हर साल मैं और विद्या किसी फिल्म का प्रीमियर या पार्टी में मिला करते थे। वो हमेशा कहती थी कि सर मुझे आपके साथ काम करना है, और जवाब में मैं भी कहता था कि मैं आपका बड़ा प्रशंसक हूँ। लेकिन जब मैंने द डर्टी पिक्चर की स्क्रिप्ट उन्हें सुनाई तो उन्होंने कहा कि सर हम 3 साल से बात कर रहे हैं और आप मुझे ये स्क्रिप्ट भेज रहे हो, ये तो मैं कर ही नहीं सकती, मैं हामी नहीं भर सकती। मैंने कई महीनों तक इंतज़ार किया। साल 2010 में मेरी फिल्म वंस अपॉन द टाइम इन मुंबई देखने के बाद विद्या ने द डर्टी पिक्चर करने का फैसला किया। ऑफिस आने के बाद उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि वो अब पीछे मुड़कर नहीं देखेगी, जैसा मैं कहूँगा वैसे ही वे आगे बढ़ेगी। फिल्म के आखिरी तारीख तक वो अपने शब्दों पर टिकी रही। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।